नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बस्ती जनपद से। बस्ती पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुखबिर की सूचना पर पुरानी बस्ती पुलिस ने चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन के पास दो संदिग्ध युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों के पास से चोरी का लाइसेंसी रिवॉल्वर, जेवरात व 2,85,000 रुपये नगद पुलिस ने किया बरामद। पुलिस अधीक्षक बस्ती चोरों को पकड़ने वाली टीम को दिया 5,000 रुपये का इनाम। बस्ती जिले के पुरानी बस्ती पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब गश्त के दौरान रेलवे स्टेशन के पास दो संदेह चोर घूम रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन दोनों चोरों को पकड़ लिया और जब इनकी तलाशी ली गई तो चोरी की गई थी रिवॉल्वर सहित नकदी व जेवरात पुलिस ने बरामद किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक बस्ती में शातिर चोरों को पकड़ने वाली टीम को 5,000 रुपये का इनाम भी देने का घोषणा किया है। बस्ती से इंडिया पावर न्यूज के लिए जयप्रकाश यादव की रिपोर्ट। ये बस्ती थाना क्षेत्र में दो घटनाएं हुई चोरी की। एक घटना में ये कार्ती पीएफ के कांस्टेबल छुट्टी पे गए हुए थे अपने घर, और उसी दौरान उनके घर का ताला टूटा और जिसमें कि उनका अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर भी चोरी हो गया। 32 बोर का इनका रिवॉल्वर था, उसके साथ सोने चांदी के जेवर और कुछ सामान भी इनका चला गया। और उस घटना में थाना पुरानी बस्ती पुलिस ने काफ़ी सक्रियता से टीम बना करके काम किया और न सिर्फ रिवॉल्वर की बरामदगी की बल्कि जितने भी चोरी के जेवर वगैरह थे वो सब भी बरामद किए। और दूसरी घटना भी चोरी की ही है जो कि बस्ती थाना क्षेत्र में ही घटित हुई। इस पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र की घटित घटना में एक सीमेंट का व्यवसाय करने वाले हैं, उनके 2,85,000 रुपये उनके घर से जो कि उन्होंने लॉकर में रखे हुए थे, लॉकर को तोड़ करके चोरी किए गए और वो पूरे के पूरे रुपये भी हमारी पुलिस टीम ने बरामद किए और उनके इस अच्छे कार्य के लिए दोनों टीमों को अलग अलग 5,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। नहीं, इनका कोई गैंग नहीं है, ये चोरी करते हैं अकेले।